So today we will start scatter chart. Okay, scatter chart is two dimensional data visualization. Means इस तरह का हमारा ये chart है that uses dots to represent the values obtained for two different variables along with x axis and along with y axis. ठीक है, तो जो हमारा scatter chart होता है वो कुछ इस तरीके का होता है. ठीक है, जैसे suppose 65 पे 125 ये आपका एक point. ठीक है, 70 this. तो ये scatter chart means ये जो chart है ये बताएगा कि किस area में जैसे कितने ज्यादा values एक तरीके से density calculate करने के लिए या एक idea लगाने के लिए कि किस area में जो है density अच्छी खासी है. ठीक है, तो ये जो values है ये इस तरीके से आपका use किया जाता है. ठीक है, तो स्कैटर चार्ट इसलिए यूज होता है. ठीक है, स्कैटर चार्ट इज यूज आइडेंटिफाई पोटेंशियल एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. ठीक है, जैसे इन्होंने लिया, मान लीजिए आपके वेट इतना है, स्टूडेंट्स का वेट लिया है और उन्होंने हाइट ली है. ठीक है, जनरल एक हाइट ली है और वेट लिया है, तो इससे आइडिया लग जाएगा कि किस एरिया में स्टूडेंट्स ज्यादा लाई कर रहे हैं. तो आप देख रहे हैं कि जो वेट का एरिया है वहां पर, यहाँ पर ज्यादा स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं 75 से 80 के बीच में, और जो हाइट है वो भी 150 से 170 के बीच में ज्यादा मतलब लाई कर रही है. तो ये इस तरीके का जो चार्ट है वो ये मतलब पोटेंशियल जो भी आपका कह सकते हैं एक तरीके का डेंसिटी जो है उसको आपको जो है यूज करने के काम में आता है. अब बात आती है कि इसको यूज कैसे करते हैं. हमने ये सीख लिया है, देखें तो इसके लिए हम जो हमने लाइन चार्ट्स का मार्कर देखे थे वो मार्कर ही हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं. ठीक है, एस फॉर स्क्वायर पॉइंट आएगा, ओ फॉर सर्किल आएगा, ये कैप आएगा, ट्राइंगल अप, ट्राइंगल डाउन, ठीक है, ट्राइंगल राइट, ट्राइंगल लेफ्ट, जिस तरह का आपको पॉइंट आपको रखना है, जो भी ये जो है स्कैटर, ये जो डॉट्स है ये किस तरीके का आपको रखना है वो है डायमंड, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ऑक्टागन, ठीक है, प्लस क्रॉस, जो भी आपको चाहिए. जैसे यहाँ पर इन्होंने मार्कर एस्ट्रिक रख दिया, तो ये सब जगह एस्ट्रिक एस्ट्रिक आपको ये मिल गया है. ठीक है, तो इसी तरीके से अब इसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे. तो हम क्या करते हैं कि हम एक एक्सेल सीट लेते हैं और उसको पांडास के थ्रू, डेटा फ्रेम के थ्रू उसको उठा लेते हैं. ठीक है, और जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं, और उससे वैल्यूज का और डेंसिटीज का आइडिया लगाते हैं. ठीक है, चलिए तो ये हम बात कर रहे हैं, एक ब्लैंक बुक बनाते हैं, इसमें हम डाल देते हैं स्टूडेंट्स का नेम, यहाँ पर उसका मान लीजिए डाल देते हैं हाइट, या कुछ और भी ले सकते हैं आप, जैसे एज ग्रुप भी ले सकते हैं, जैसे क्लास ले लेते हैं और एज ले लेते हैं. ठीक है, सपोज स्टूडेंट ए बी, सॉरी नेम बी सी डी, सी डी जे तक ले लेते हैं. ठीक है ना, ये मान लीजिए स्टूडेंट है ए, मान लीजिए 11 क्लास में है लेकिन उसका एज 17 है. ठीक है, बी 12 है, इसका भी एज 17 है, सी 5 है और क्लास 5 में है, इसका एज मान लीजिए 9 है, और डी भी क्लास 5 में लेकिन उसका एज 11 है, ई क्लास 8 में है मान लीजिए और इसका एज 13 है, और ये 9th में है इसका एज 15 है, ये 10th में है इसका एज 14 है, और ये 6 में है इसका एज 12 है. कुछ भी इस तरीके से आइडिया दे दे, क्लास 2 का है एज 7 है मान लीजिए, और एक क्लास 12th का और दे देते हैं और एज, ये मान लीजिए आपके क्लास में आपके स्कूल में 10 बच्चे हैं और उनका आपको देखना है कि किस एज और रेशियो के बच्चे आपकी क्लास में ज्यादा पाए जाते हैं. ठीक है, इसको हमने एक जो है आपका सेव करने के लिए पीसी में गए हम लोग, डेस्कटॉप में जाने के बजाय हम लोगों ने डी ड्राइव में इसको हमेशा की तरह सेव कर दिया और इसको सीएसवी के फॉर्मेट में हमने सेव किया. कहाँ गया सीएसवी, सीएसवी एरा, तो इसको आपने जो है सीएसवी डॉट सीएसवी, इसको आपने स्कूल डॉट सीएसवी के नाम से सेव कर दिया.
ठीक है, स्कूल डॉट सी एस वी के फॉर्मेट में ये आपकी फाइल आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग आइडल अपना ओपन करते हैं और इसमें हम लोग जो वैल्यूज यूजर से हमने एक्सेल सीट में डेटा में ले ली है उसको हम अपने प्रोग्राम में भी इंपोर्ट करेंगे और उससे हम स्कैटर चार्ट भी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एचपी, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमको क्या चाहिए, इंपोर्ट पांडास एचपीडी, ठीक है, हम लोगों ने पांडास भी कर लिया। अब हम लोग जो सी एस पी फाइल रीड देने के लिए हमारे पास क्या है, फंक्शन है वो है रीड सी एस पी। डेटा फ्रेम बना लेते हैं, डी एफ वन इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड सी एस पी, और रीड सी एस पी का आपका एड्रेस क्या है, डी के अंदर स्कूल डॉट सी एस पी, ठीक है। लेट्स सी डी एफ वन में वैल्यू जा गई, यस आ गई, ओके, नेम एज क्लास आ गई। अब आपको जो है क्लास और एज दो वैल्यूज के बीच में कोरिलेशन आपको सेट करना है, तो आप क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस ले लीजिए, तो एक्स एक्सिस में आपने ले लिया डी एफ वन का क्लास और वाई एक्सिस में मान लीजिए ले लिया एज, ठीक है, सिंपल एज। ये आप डायरेक्ट भी वैल्यूज ले सकते हैं, मैंने आपको केवल बताया ये एक्स और वाई की जो भी वैल्यू है, ए बी की जो भी वैल्यू है यहाँ पर, वो आप डायरेक्ट ले सकते हैं। मैंने बस आपको ये वाला जो सेक्शन बताया वो इसलिए कि आप एक्सेल सीट से सीएसवी फाइल से भी आप डेटा इंपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब आपके पास एक्स भी आ गया, एक्स देख लेते हैं, ये है वाई देख लेते हैं, वाई की भी वैल्यूज आपके पास मौजूद है। अब आपको क्या करना है, आपके पास वो भी है, अब आपको चाहिए प्लॉट। तो प्लॉट करने के लिए आपके पास जो फंक्शन है वो है स्कैटर। लाइन करने के लाइन ग्राफ बनाने के लिए था प्लॉट, पी डॉट प्लॉट या पी एल टी डॉट प्लॉट करते थे, लेकिन स्कैटर चार्ट आपको अगर बनाना है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा स्कैटर से, ठीक है, स्कैटर से, और इसके साथ ही आप लोग उसमें अपना चेंजेस कर सकते हैं। तो काम करेंगे पी डॉट स्कैटर और क्लास को लेते हैं एक्स एक्सिस पर, सॉरी दैट इज योर एक्स, और रोल नंबर वाई एक्सिस पर, दैट इज वाई। P dot scatter, P dot show. देखिए आपको ये एक जनरल सा आइडिया बन गया है कि आपका जो रेंज है वो कहाँ कहाँ है। जैसे दो क्लास वाला बच्चा था 7 पर, ठीक है, 5 क्लास वाला बच्चा था 9 में, और 5 क्लास वाला बच्चा 11 में भी था, 6 क्लास वाला बच्चा 12 में है। इस तरीके से आपको एक आपके जो स्कूल के 10 बच्चे हैं उनका डेटा पता चल गया कि कौन सा किस रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है। इसका आप लाइन चार्ट बनाते, तो लाइन चार्ट कैसे बन गया था देखिए, इसी का आप अगर पीट और प्लॉट करते एक्स वाई, ठीक है, तो आपका क्या बन गया था, वही लाइन आपकी उस तरीके से बन गया था, कहां से कहां गया, ठीक है, शुरुआत 12 से गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, ये तो इस तरीके से बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाएगा। या बहुत ज्यादा जब डेटा यूज करेंगे तो लाइन चार्ट क्या है वो आपको प्रॉपर वो नहीं दे पाएगा, लेकिन स्कैटर चार्ट यहाँ पर आपकी डेंसिटी का उसका आपको प्रॉपर जो है एक तरीके से ओवरव्यू आपको जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको दे रहा है विजुलाइजेशन का, ठीक है। अब ये हमने स्कैटर चार्ट को हमने प्लॉट कर लिया। अब स्कैटर चार्ट को प्लॉट करने के बाद आपको एक्स लेवल वाई लेवल टाइटल वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है इनका कलर, ठीक है, एस फॉर द साइज, सी फॉर कलर और मार्कर। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप इस तरीके से चेंज करेंगे, स्कैटर में हाइट विड्थ हाइट, सी को आप कलर से मार्कर कोई देश और एस को इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए पी डॉट स्कैटर सेम करते हैं, सी इक्वल्स टू आपने रेड कर दिया कॉमा साइज के लिए एस इक्वल्स टू 20 कर दिया, मान लीजिए 20 साइज का आ जाए, और मार्कर इक्वल्स टू आपने डायमंड कर दिया, सॉरी डायमंड को वैसे लेना पड़ेगा, ठीक है, पी डॉट डायमंड बन बन के आपके आगे कलर भी रेड हो गया, ठीक है। अगर आपको सी और एस में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसकी जगह कलर और साइज भी लिख सकते हैं, आई थिंक सो, तो आप लिखेंगे सी ओ एल ओ आर और
नहीं लिख सकते, आपको स्कैटर में सी और एस स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप केवल यही आप लिखेंगे। इसकी जगह अगर हम पी डॉट शो करते हैं तो ये आपका आगे। इसके अलावा आपको इसमें और कोई चेंजेस करना चाहते हैं लाइक जस्ट कि रेड की जगह आपको मान लीजिए ब्लू चाहिए, ठीक है। और ये हो गया, एक तो ये रेफरेंस हो गया, और दूसरा मान लीजिए आप एक और जेड में एक और वैल्यू लेना चाहते हैं, 10 की कोई और वैल्यू लेना चाहते हैं, तो जैसे पी डॉट, तो आप दो स्कैटर चार्ट भी एक साथ दिखा सकते हैं ये, ठीक है। एक्स कॉमा और दूसरी वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कर देता हूँ, ताकि वाई की जगह ये आप पॉइंट आउट करें। सी को रेड कर देता हूँ, साइज को 30 कर देता हूँ और मार्कर को प्लस कर देता हूँ या क्रॉस कर, ठीक है। तो आपका दूसरा चार्ट भी प्लॉट हो गया, वो भी प्लॉट हो गया, तो आप देखेंगे एक ही चार्ट में आप दोनों चीजें वहां पर देख रहे, ठीक है। तो ये देखने के लिए कि ये जो है क्रॉस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का आ गया और उसका भी इस तरीके से वैल्यू आ गया, ठीक है। किसके रिगार्डिंग क्या वैल्यू आई है वो यहाँ पर वैल्यू आ गई है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यूज यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये भी चार्ट इस तरीके से कंट्रोल हो गया है। अब ये स्कैटर चार्ट में हमने देख लिया किस तरीके से यूज करना है, ये करना है, वो करना है। तो अब हम इसको देखेंगे आगे इसमें और क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक ये बोला है, जैसे टू जनरेट ए स्कैटर प्लॉट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सेट जनरेटेड रैंडमली, रैंडम फंक्शन का यूज करना है, जो भी रैंडमली जनरेट किया और उसके बेसिस पे देखिए स्कैटर चार्ट इस तरीके का बन के ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रैंडमली एक्स को यूज कर लिया 1000 में से कोई भी नंबर, वाई को रैंडमली यूज कर लिया और उनको प्लॉट कर दिया, यानी कि रैंडमली कुछ करके। तो इस तरह का ये जो डेंसिटी आपको दिखा रहा है, अगर आप इसका लाइन चार्ट बनाएंगे तो कितना क्लमजी होगा आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन इससे आपको ये पता चल गया, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर आप लोगों ने ये ऐसे चार्ट कई जगह देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि नंबर आपने लिया, कलर्स को चेंज कर लिया, रैंडमली कलर भी आपने यूज कर लिया, तो इस तरीके से बन के आता है। अब स्कैटर चार्ट का जो एक और एप्लीकेशन है जो हम लोग देख सकते हैं, जो कि आपने क्रिकेट में बहुत देखा होगा, अगर क्रिकेट मैच देखे होंगे तो कि किस बॉलर ने कितने एरिया पे टप्पे पे बॉलिंग डाली, उसका डेटा कंप्यूटर ने लिया और उसका एक ग्राफ आपको दिखा दिया। मान लीजिए किसी बॉलर ने 20 बॉल की हैं, तो उसने पिच में गुड लेंथ डाली है या वैसे लेंथ डाली है, तो उसके रिगार्डिंगली आपका वो कर लेते हैं। तो एक जनरल सा उसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि कैसे किस कितने का वो पिच का वो है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, चलिए तो हम लोग देखते हैं इनको matplotlib.pyplot.lspy, क्लियर। इसके बाद हम लोग करेंगे आपका इनको तो हो ही गया है। इसके बाद आपको दो चीजें दे सकते हैं, मान लीजिए कि अगर बॉल्स की बात करें तो जनरली ले लेते हैं, मान लीजिए एक बॉल्स की बात कर लेते हैं बॉल्स, और ये आपका नंपाई ले लेते हैं पहले ताकि आपका क्लियर हो जाए। इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी, मान लीजिए एक बॉलर 60 बॉल करता है जनरली, तो उसको हमको क्रिएट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए बॉल्स को आपने ले लिया इक्वल्स टू एनपी डॉट ए रेंज, 60 बॉल है तो ए रेंज की तरह से कहां तक लगेगा, एक से लेके 61 तक और एक के डिफरेंस पे लगेगा, बॉल्स हो गई। अब आपको चाहिए कि लेंथ, कितनी लेंथ में उसने डाली है, ठीक है, जो बॉल्स हैं और
विड्थ आपको डालनी है या फिर जो भी लेंथ और विड्थ भी आपको देखनी है, ठीक है। तो विड्थ मेरे ख्याल से अगर हम 20 मीटर की लेंथ ले लें और 5 मीटर की विड्थ ले लें, ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप रेंज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, लेंथ के लिए ले लेते हैं, लेंथ हो गई आपकी, रैंडम नंबर से आपको उठा लेते हैं या फिर जैसे हो गया 60 तक का लेना है, रैंडमली नंबर आपको एक रैंडम नंबर के लिए इंपोर्ट रैंडम कर लेते हैं, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है ना। और लेंथ के लिए हो गया इंपोर्ट रैंडम है आर करते हैं ताकि हमको बाद में दिक्कत नहीं है। रैंडम ले लिया नंबर, हमने क्या किया लेंथ, ठीक है ना, और आपको जो भी नंबर्स है तो आपको ले लेना है लेंथ वर्सेस आर डॉट रैंडम इंटीजर हम जनरेट करें कहाँ से कहाँ तक। जो लेंथ है वो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 से लेके 20 के बीच में रहेगी, ठीक है ना। लेंथ हो गई, लेंथ प्रिंट करें तो 10 से लेके 20 तक, लेकिन हमको ये 60 लेंथ चाहिए, ठीक है ना। तो इसको 60 वैल्यूज हमको चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट में उसको अपेंड करके चलते हैं, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल, और उसको वैल्यूज को आप ले लेंगे। तो ये हम ट्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें कि लेंथ को हम एक लिस्ट बनाएं, ठीक है, और हम करें फॉर आई इन रेंज, रेंज हमारी वही रहेगी 1 से 61 तक और एक वैल्यू, ठीक है, और L इक्वल्स टू R डॉट रैंडम एंड, और 10 से लेके 20 मीटर तक के बीच में मान लीजिए बॉर्डर फेंकता है, तो L में कोई वैल्यू हो गई और लिस्ट लेंथ में जो क्या किया, लेंथ जो हमारा वैल्यू आ रहा है जिसमें हमको वैल्यू लेनी है डॉट, तो उसमें L को अपेंड कर, ठीक है। तो अब हम अगर अपना लेंथ देखें तो इसमें 60 वैल्यू हमारी लेंथ की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम लोग लाइन की वैल्यू ले लेते हैं, लाइन की वैल्यू मान लीजिए अगर हम 5 मीटर का एरिया अगर चुनते हैं बॉर्डर का, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो उसका 1 से लेकर 5 तक के बीच में उसका वो ले लेते हैं इसी तरीके से। तो लाइन के नाम पर भी हम एक लिस्ट बना लेते हैं, और हम क्या करते हैं कि फॉर आई माप लेंगे तो जे इन रेंज ले लेते हैं यहाँ पर, और 1 से लेकर 61 बॉल, नहीं थी, चलिए तो हमें लाइन के लिए L2 ले लेते हैं, यहाँ इक्वल्स टू R डॉट रैंडम इन फिक्स कर दिया, मान लीजिए 1 से लेकर 5 के बीच में, ठीक है, और हमने क्या किया लाइन में अपेंड कर दिया, अपेंड किसको L2, तो हमारे पास लाइन भी आ गई, लाइन ये रही लेंथ ही रही, लेंथ और लेंथ हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। हम क्या करते हैं स्कैटर कर देते हैं, ठीक है, स्कैटर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो वैल्यूज है ये देखिए 1 से लेकर 5 तक के बीच में ही है, ठीक है, लेकिन लेंथ आपकी कम ज्यादा हो रही है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम प्लॉट करते हैं, तो पी लिया है हमने ऊपर मेरे ख्याल से, पी लिया है पी डॉट स्कैटर, और लाइन जो है उसको मैं बनाता हूँ एक्स एक्सिस पे, और लेंथ क्योंकि ज्यादा वेरिएबल है उसको बनाता हूँ मैं वाई एक्सिस में, ठीक है। कलर आपको किस कलर का चाहिए, बॉल्स ब्लू कलर का चाहिए, ठीक है, कलर को सी दिया गया है, सॉरी साइज थोड़ा बड़ा रख लेते हैं, एस इक्वल्स टू 30 रख लेते हैं ताकि बड़ी बड़ी बॉल्स आपको नजर आए, ठीक है। और इसके साथ ही जो आपका मार्कर है, मार्कर का टाइप मैं रख लेता हूँ ओ ताकि बॉल्स नजर आए, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या प्रॉब्लम होगी भैया, एसक्यूआरटी कहाँ लगा रहे, अच्छा ये 30 यहाँ लगा दिया, सॉरी, ठीक है, 10 मिनट वेट करो मैं क्लास में, उसके बाद बात करता हूँ, जब तक कहीं और, ठीक है ना।
इसके बाद p डॉट स्कैटर को हम लोग फिर से लेते हैं, तो ये 30 जो है इसको ये प्लॉट कर दिया, ठीक है। p डॉट x लेवल हम लोग बनाते हैं, x लेवल में लाइन बाय द बॉर्डर लिख देते हैं, लाइन जो भी या ब्रेथ लिख देते हैं, लाइन लिख देते हैं कौन सी लाइन बॉर्डर में यूज किया, ठीक है। इस तरीके से एक सिंपल हमने बनाया। इसी बट y लेवल में हम लोग बनाते हैं, तो इसमें लेंथ बॉर्डर ने कहाँ दी है इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। x हो गया, y हो गया। इसके बाद अब हमको क्या करना है, ग्राफ का नाम देना है, तो p डॉट टाइटल कंप्लीट करना है। p डॉट टाइटल में आप डाल दीजिए लाइन एंड लेंथ बाय, मान लीजिए योर फेवरेट बॉलर इज जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत ने कहाँ कहाँ बॉलिंग दिया। वो डेटा हमने रैंडमली लिया है, लेकिन जैसे उसने जो फेंका वो उसके कंप्यूटर तो डेटा करने के लिए हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ये हमने रैंडमली ले लिया क्योंकि इतना एंट्री कौन करता है। तो हमने क्या किया, रूट लगा के यहाँ पे रैंडमली उसको जनरेट कर लिया कि हाँ ये उसने फेंकी होगी, मान लिया, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। अब हम पी डॉट शो करते हैं और हम देखेंगे कि हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन ग्राफ बन के आ गया है। तो जो रैंडमली नंबर था वो यह था कि उसने लगभग इतनी बॉलें 20 मिडिल स्टंप पे डाली है, इतनी यहाँ डाली है, इतनी यहाँ डाली है, इतनी यहाँ डाली है, लगभग इस तरीके से ये आपका ग्राफ बन के इस तरीके का आ गया, ठीक है। रैंडमली नंबर लिए तो ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में आ गया है। इसको और नंबर्स में अगर हम लेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएंगी चीजें। जैसे मान लीजिए इसी को हम अगर जैसे 400 बॉलों के लिए कर दें, 401 बॉलों के लिए कर देते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं, उसमें कॉपी पेस्ट करके चलते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं, फाइल लाने के बाद हमने क्या किया, लेंथ इक्वल्स टू दिस, हम लोग लेंथ ले लेते मान लीजिए, ठीक है। ये लेंथ को भी हम 400 बॉलों का अगर लेना चाहें तो, ठीक है, और 15 से लेके 20 तक की दूरी अगर हम रखना चाहें तो ये होगा 10, उसके बाद लाइन इक्वल्स टू दिस ले लिया, लाइन वाला कहाँ गया, इसको लाइन में कर लेते हैं, ये लाइन हो गया। ओके, 2 से 4 कर लेते हैं, जी बिल्कुल लाइन तो नहीं भेजेगा, ठीक है। बॉल उसके बाद 3 बॉल करते हैं, ठीक है, ये हमने बना लिया है। इसके बाद हम अगर जैसे कोशिश करना चाहें तो आप क्या करें, इसको प्लॉट करिए, प्लॉट किया, एक्स लेवल को प्लॉट किया, सॉरी, उसके बाद वाई लेवल को प्लॉट किया, तो सेम प्रोग्राम हमने बस क्या किया है, पी डॉट टाइटल हमको चाहिए भी, टाइटल हमने कर लिया, ठीक है, ये हमने बना लिया है। और F5
रैंडम वैल्यू हमारी जनरेट हो गए, इस तरीके से वैल्यू ये आ गई जनरली 15 से लेके 20 तक के बीच में लेंथ और आ रही है। और ये देखिए इतनी ज्यादा वैल्यू है, अब इसको अगर आप जूम करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वैल्यू इस तरीके से बन के आ रही है। सेट कर लेते हैं तो इस तरीके से लेंथ और लाइन बन के ये आ गई है, स्केल्स भी आ गया, लाइन लेंथ बन के आ गई। तो इस तरीके से डेटा जब कलेक्ट होता है तो आप वैल्यूज को स्कैटर फॉर्म में यूज कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद तो ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से स्कैटर फॉर्म यूज करते हैं। अब जैसे ये एक रैंडम नंबर वाला था कि इन्होंने एक रैंडम नंबर लिया और उसको रैंडम नंबर ले जनरेट किया, उससे वैल्यूज को देखते हैं कि क्या वैल्यूज आएगा, ठीक है। चलिए तो कलर्स भी ले लिए, अलग अलग कलर ले लिए, ये इसको आप प्लॉट करके देख लेते हैं। ये वाला कि डिफरेंट डिफरेंट हमारा किस तरीके से आएगा, पोर्ट मैट प्लॉट ले आई प्लॉट एच टी, ठीक है ये हो गया है। इसके बाद आपको इनको रैंडम करना है, ठीक है। एच आर हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स में वैल्यू हमको चाहिए, तो एक्स में वैल्यू चाहिए तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए रैंडमली एक्स की वैल्यू एन पी नंपाई में रैंडम लगाया, 1000 वैल्यूज लेके, ठीक है। इंपोर्ट नंपाई एस रैंडम, ठीक है। एन पी का भी आप रैंडम ले सकते हैं, एन पी में भी रैंडम है, इंपोर्ट रैंडम एन पाई एस एन पी नंपाई एस एन पी। चलिए उसका यूज कर लेते हैं, एन पी डॉट रैंडम डॉट आर एन डी एन रैंडम नंबर, मान लीजिए 1000 वैल्यू जिन्होंने ले ली। वाई में भी सेम किया हमने, एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंडम नंबर, और इसमें भी 1000 रैंडम वैल्यू हमने ले ली। इसके बाद साइज के लिए एस साइज के लिए साइज आपने ले लिया, और 20 के मल्टीपल में साइज को ले लेते हैं, 20 मल्टीप्लाई एन पी डॉट रैंडम डॉट एन, और 1000 वैल्यूज को इसमें भी कर लिया। कलर्स को इन्होंने चेंज किया, एन पी डॉट रैंडम डॉट एन एन 1000 किया, वही किया ना सेम, ठीक है। और बस प्लेटर को पी डॉट स्कैटर, ठीक है, और हमारे एक्स कॉमा वाई कलर में कलर्स डाल देते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और साइज में डिफरेंट डिफरेंट साइज डाल देते हैं। ओके ये आपका इस तरीके से स्कैटर चार्ट जो कहाँ से जो रैंडम नंबर वैल्यू जनरेटेड हुई वो लगभग इतने में जनरेटेड हुई, तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से बनके डेंसिटी वाइज बन के आ जाता है। तो छोटी वैल्यूज भी हैं, बड़ी वैल्यूज भी हैं, कलर भी अलग अलग है, और इस तरीके से आपका जो स्कैटर चार्ट है वो जनरेट होके आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका स्कैटर चार्ट, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको रन कराने की कोशिश करेंगे।